नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे, भावराव देवरा, सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। आज मैं आपको कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत भारत में राष्ट्रवाद पाठ के मानचित्र विषय को बताने जा रही हूँ। भारत में राष्ट्रवाद जो पाठ है उसमें जो मानचित्र में जो जो प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में आते हैं उन उन बिंदुओं को हम विचार विमर्श करेंगे। 1916 में नील की खेती के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया था और यह सत्याग्रह चंपारण में किया था। इसी तरह से 1917 में कर ना देने के लिए सत्याग्रह किया था और यह सत्याग्रह खेड़ा में किया था। ऐसा हुआ था कि खेड़ा के जो लोग थे वो अकाल और महामारी से पीड़ित थे। अकाल और महामारी के कारण वे टैक्स नहीं दे पा रहे थे, तो इसीलिए गांधी जी ने उनको प्रेरित किया कि वे सत्याग्रह आंदोलन करें। इसी तरह से आगे 1918 में अहमदाबाद के सूती कपड़ा मिल मजदूरों के खिलाफ अंग्रेजों ने बहुत उनका शोषण कर रहे थे, तो अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया। आगे सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और ये कोलकाता में हुआ। उस समय कोलकाता का नाम कलकत्ता था, तो आप कलकत्ता लिखेंगे तो वो भी सही होगा। इसी तरह से 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। आगे 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन चेन्नई में हुआ, जिसे उस समय मद्रास कहते थे। अगर आप मद्रास लिखेंगे तो वो भी ठीक है। आगे चलते हैं। 1919 में, जैसा कि आपने पहले पाठ में पढ़ा है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और यह अमृतसर में हुआ। आप लोगों को पता है कि अमृतसर के पास वाघा बॉर्डर है, तो आप उसी तरह याद रखेंगे कि जो बॉर्डर है वहां पर ही आप अमृतसर पंजाब में बताएंगे। जहां जो है असहयोग आंदोलन गांधी जी ने स्थगित किया था चोरी चोरा में नामक स्थान पर, और ये घटना, इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। आगे चलते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत साबरमती से की थी और साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, तो अहमदाबाद को बताएंगे आप। फिर आगे गांधी जी ने नमक कानून तोड़ दिया था और वो दांडी नामक स्थान पर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। अब ये ही जो 9 बिंदु आपको मैंने बच्चों बताए हैं, इन्हीं बिंदुओं को हम मानचित्र में देखते हैं। मानचित्र में, जैसा कि आपको मालूम है कि गांधी जी 1915 में भारत आए और 1916 में उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया और वह चंपारण नामक स्थान पर किया। फिर 1916 में खेड़ा में उन्होंने सत्याग्रह किया, कर न देने के लिए मजदूरों के साथ सत्याग्रह किया। इसी तरह आपको मालूम है कि अहमदाबाद में उन्होंने सत्याग्रह किया और सूती कपड़ा मिल मजदूरों के लिए। आगे चलते हैं। उन्होंने दांडी में, उन्होंने, गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ा था, ये गुजरात में दांडी बताएंगे। जैसा कि आपने कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में पढ़ा कि कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे 1920 में, तो जो सितंबर 1920 का अधिवेशन हुआ था वो कोलकाता में हुआ था और दिसंबर 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि जब हम मानचित्र में ऊपर से देखते हैं तो कोलकाता पहले आता है और नागपुर बाद में। वैसे ही अगर महीना देखेंगे तो सितंबर का महीना पहले आता है और दिसंबर का बाद में। तो सितंबर का कांग्रेस का अधिवेशन, 1920 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और दिसंबर 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ था। इसी तरह से 1927 का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। फिर आगे चलते हैं कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये यहाँ वाघा बॉर्डर है और अमृतसर यहाँ आप बताएंगे। इसी तरह से साबरमती आश्रम से उन्होंने अपने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिस तरह बोर्ड के एग्जाम में ये वाला प्रश्न आता है, इन 9 बिंदुओं में पर आधारित एग्जाम में आपके जिस तरह प्रश्न लिखा होता है उसको उदाहरण के रूप में आपको समझाऊंगी। बोर्ड के एग्जाम में आपके ये वाला जो
टॉपिक है वो इस तरह से आता है, इसके दो प्रश्न आते हैं आपके उसके एग्जाम के प्रश्न पत्र में, यह लिखा होगा, ए लिखा होगा वह स्थान जहां कांग्रेस का दिसंबर 1920 का अधिवेशन हुआ, और बी वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। अब ये मानचित्र में ए और बी के रूप में दिखाया हुआ होगा। ये जो ए है, ये जैसा आपने प्रश्न पढ़ा, ए यहाँ बिंदु आपको शो होगा वहां पर प्रश्न पत्र में, और यहाँ दिसंबर 1920 का अधिवेशन हुआ था। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि दिसंबर 1920 का अधिवेशन नागपुर में हुआ था, एक सितंबर में हुआ था और एक दिसंबर में हुआ था। तो सितंबर का अधिवेशन ये यहाँ कलकत्ता में और दिसंबर का नागपुर में, तो ये यहाँ पर आप नागपुर लिखेंगे। और बी जैसा कि आपने वहां देखा कि बी में लिखा था गांधी जी ने नमक कानून कहाँ तोड़ा था, तो बी आप जहाँ बी लिखा होगा वहां आप खेड़ा लिखेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न इन दो 9 टॉपिक में से कोई से 2 टॉपिक आएंगे, और ये ए और बी के रूप में आपके प्रश्न पत्र में लिखे होंगे, और इन्हीं बिंदुओं को आपको जो प्रश्न पूछा होगा उसका आपको इस प्रकार उत्तर देना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।